स्वागत है आपका हमारे चैनल डी आर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्या करें, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। एक कहावत है छोटा सा कि अगर शेर जो है वो 16 घंटा सो के भी जंगल का राजा है, शेर जो है वो 16 घंटा सो के भी जंगल का राजा है, और जो गधा होता है, समझ रहे हो ना, जो गधा होता है वो 24 आवर जगा रहता है, फिर भी कोई राजा नहीं बन पाया। कहने का मतलब है कि मेहनत होना चाहिए, वो भी सही डायरेक्शन में मेहनत होना चाहिए, ना कि गलत डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपका मेहनत होगा वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम दिल और दिमाग को शांत करके अपने एग्ज़ाम्स के लिए एकदम डिवोट रहिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले एक एम बनाइए और रूटीन फाइनल कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर से वापस आते हैं। हम लोग आज पढ़ाने वाले हैं सिलॉक्स, जो आप लोग को पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और आजकल क्या है कि आपका रेलवे, एसएससी, आपका बैंकिंग, सारे सेक्टर में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैसेज हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आया है इस चीज़ के बारे में कि सर सिलॉक्स का चैप्टर बनाइए, आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए विथ क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका चैप्टर एक स्टार्ट किया जाए क्वेश्चंस के साथ, तो इसलिए हम क्या किए हैं, आज आप लोग के सामने सिलॉक्स का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। और एक बात और बताना चाह रहे हैं कि आपका जो भी सिलॉक्स का टाइप होगा वो टाइप जो है हम लोग अलग अलग वीडियो part 1, part 2, part 3 करके बनाएंगे, और उस पर जो भी क्वेश्चंस होगा हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे, मतलब कोई भी आप लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ सिलॉक्स है, उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये कर ले कि यहाँ पे एक आपका डियर स्टडी पॉइंट है, इसको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, और सर्च करके आपके जितने भी वीडियो होंगे, जितने भी आपके वीडियो होंगे आपका प्लेलिस्ट में, उसको क्या करना है कि जाकर देखना है, और उस सारे वीडियो का आपका क्वेश्चन जो है आपके कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका अवेलेबल है, वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, फिर आपका क्वेश्चंस बनाना है, और नहीं बनने के बाद वीडियो पे आना है, वीडियो को देखना है कि मैंने इस क्वेश्चंस को कैसे बताया है, उसी टाइप से आप क्वेश्चंस को बनाओ। और सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उस टाइप्स के आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं सबका प्रैक्टिस होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होने वाला, कम से कम एक टाइप पे आपका 80 से 100 क्वेश्चन आपका आपसे बना हुआ होना चाहिए, तभी एग्ज़ाम्स में आपका स्पीड भी आएगा, है ना, और एक्यूरेसी भी आपका आते चला जाएगा, ठीक है। तो डी आर स्टडी पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पे जाके लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करना है। आप लोगों से कुछ नहीं है, बस आपसे हम एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं, ज़्यादा नहीं, आप लोगों से हम जो है बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं, बस एक लाइक मांग रहे हैं और एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या, आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, इसमें क्या क्या आप लोग को और चाहिए, जो को जैसा आपको क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस में भी आप लोग को प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, क्योंकि हम लोग जो हैं वो इंडिविजुअली रिप्लाई देते जाते हैं, और आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं हम लोग को अच्छे से पता रहता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, कितने टाइप्स का होता है, कितना मेथड से आपका ये बनेगा, हम लोग उस पर आते हैं, ठीक है। तो सिलॉक्स बनाने का आपका 3-4 मेथड है, पहला आपका वेन डायग्राम हो गया, दूसरा आपका 150 हो गया, तीसरा आपका क्रॉस कैंसिलेशन हो गया, और चौथा आपका अफर्मेटिव नेगेटिव बुक में करके जो दिया रहेगा वैसा आपका टाइप हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसका हम लोग टाइप्स देखेंगे, टाइप्स भी आपका बहुत सारा है, जैसे आपका सिंपल टाइप, जो सिंपल टाइप आपका रेलवे वाले में पूछ रहा है ना, फिर आपका कंडीशन ऑफ इधर और है, इधर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इधर और का एकदम जादू बताएंगे हम, जो बस देखते पता चलेगा कि कंडीशन ऑफ इधर और है या कंडीशन ऑफ निधर और है, ठीक है। फिर आपका तीसरा पॉसिबिलिटी करके बहुत सारा आपका 3-4-5-6 टाइप्स है, हम सारा टाइप्स अभी आपको लिखवाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये बात जानना ज़रूरी है कि सिलॉक्स मतलब होता क्या है। सिलॉक्स, सिलोजिज्म मतलब होता है आपका जस्टिस, क्या होता है आपका जस्टिस होता है, और जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जस्टिस होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय होता है, और न्याय सिर्फ लास्टली एक बार ही होता है, ठीक। अब क्या है कि आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो एग्ज़ाम में, इसका क्वेश्चंस रहता कैसे हम लोग ये देखते हैं। तो एग्ज़ाम्स में आपका क्वेश्चंस रहता है, हम लोग स्टेटमेंट सुने होंगे, कथन जिसको बोलते हैं, हम लोग स्टेटमेंट सुने होंगे, कथन जिसको बोलते हैं। कथन क्या करेगा, इसमें आपका स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट देगा, ये स्टेटमेंट देगा। यहाँ पे स्टेटमेंट आपका हो सकता है एक भी रहे, दो भी रहे, तीन भी रहे, चार भी रहे, फिर उसी के हिसाब से आपका कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है, कंक्लूजन आपका हो सकता है।
तो कंक्लूजन भी आपका क्या है कि एक रह सकता है या दो रह सकता है या फिर तीन रह सकता है। एग्जाम्स में ऐसा ही, सारे एग्जाम्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, एक स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन। उस एक स्टेटमेंट में बहुत सारा स्टेटमेंट रहेगा आपको, दो तीन चार, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और आपका कंक्लूजन क्या है, आपका दो तीन चार, एक दो तीन चार करके एडजस्ट किया रहेगा। बस हम लोग को क्या करना है कि स्टेटमेंट के हिसाब से पहले हम लोग को फिगर बनाना है, स्टेटमेंट के हिसाब से पहले हम लोग को फिगर बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखना है क्या कि कौन सा मेरा कंक्लूजन जो है वो आपको ये फिगर को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसा कौन सा मेरा कंक्लूजन है, ऐसा कौन सा मेरा निष्कर्ष है जो आपके फिगर को सेटिस्फाइड कर रहा है। जो आपके फिगर को सेटिस्फाइड करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग टाइप्स जानते हैं कि कितने टाइप्स का पूछा जाता है। इसका हम लोग टाइप्स जानते हैं, टाइप्स में हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ टाइप्स लिखेंगे तो ये पहला वाला टाइप्स आ गया आपका, पहला वाला टाइप्स आ गया आपका। इसको आप लोग डायरेक्ट टाइप भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट टाइप भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टाइप और सिंपल दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इधर और इसमें भी आ सकता है, लेकिन उसका हम लोग इंडिविजुअली एक अलग वीडियो बनाकर देंगे या फिर इसमें ही आपका ऐसा कुछ बता देंगे जो दोनों टैग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बनाना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। और समझ में एकदम 110% गारंटी के समझ में आएगा। बस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक आप लोग देखते रहना, ठीक है। चलिए तीसरा वाला आपका जो टाइप आता है वो आपका आता है पॉसिबिलिटी। चौथा वाला क्या आता है, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, ठीक है। आपका पांचवा वाला क्या आता है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ठीक है। सिक्स वाला आता है रिवर्स, ये आपका रिवर्स आता है। तो टोटल आपका 6 टाइप्स हो गया। पहला वाला टाइप्स आपका आता है क्या, ये डायरेक्ट और सिंपल टाइप हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा वाला टाइप आपका आता है इधर और करके आता है। तीसरा वाला आपका पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को हिंदी में हम लोग संभावना कहते हैं, या फिर संभावना अगर ना लिखा रहे तो ये कैन और मे, कैन बी मे बी भी हो सकता है। तो अगर या तो ये दोनों में से कोई एक रहेगा या फिर आपका पॉसिबिलिटी वहाँ पे संभावना लिखा रहेगा। हिंदी वाले में संभावना, इंग्लिश वाले में पॉसिबिलिटी, हिंदी वाले में सकता शक्ति और इंग्लिश वाले में आपका पॉसिबिलिटी लिखा रहेगा। तो ये संभावना और ये पॉसिबिलिटी जो है दोनों में से कोई एक ही आपका क्वेश्चन के कंक्लूजन में अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप ये हो गया, डज नॉट फॉलो का मतलब क्या, जो आपका कंक्लूजन दिया गया है वो आपका फॉलो नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर, उसको हम लोग बोलेंगे डज नॉट फॉलो। तीसरा वाला आपका है डेफिनेटली नॉट फॉलो, तीसरा वाला आपका क्या है, डेफिनेटली नॉट फॉलो। डेफिनेटली नॉट फॉलो कहने का मतलब है आपका कि वैसा कंक्लूजन जो ऐसे तो रॉन्ग है ही, ठीक है, और वो जो है आपका पॉसिबिलिटी में भी फॉलो नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, डज नॉट फॉलो कहने का मतलब है क्या कि आपका वैसा कंक्लूजन जो आपका ऐसे तो रॉन्ग है ही लेकिन आपका पॉसिबिलिटी में भी क्या है, फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका सिक्स वाला क्या है, रिवर्स सिलोजिज्म, मतलब रिवर्स में क्या है आपका, रिवर्स सिलोजिज्म क्या है आपका कि हम लोग अभी क्या बताए थे थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि एक स्टेटमेंट होगा और एक कंक्लूजन होगा, मतलब एक आपका स्टेटमेंट होगा और एक आपका क्या होने वाला है, कंक्लूजन होने वाला है। ये तो जनरली टाइप है। रिवर्स का मतलब होता क्या है, उल्टा होता है, मतलब रिवर्स कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। सेम कंडीशन इसमें भी किया गया है कि मतलब क्या है आपका कि पहले स्टेटमेंट था बाद में कंक्लूजन, अब पहले कंक्लूजन होगा और बाद में क्या होने वाला है आपका, स्टेटमेंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सिलोजिज्म। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स सिलोजिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए इतना में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर।
हम लोग के पास बनाने का तीन चार तरीका है, हम लोग के पास क्या है बनाने का तीन चार तरीका है, उस तीन चार तरीके में से कोई एक हमको मेथड चुनना है बनाने का जिसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना आ सके। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को तीन चार टाइप से, लेकिन हम लोग बताएंगे किससे आपका, वेन डायग्राम से बताएंगे सिलोगिज्म, क्या करेंगे वेन डायग्राम से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आसान मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। ये वेन डायग्राम जो है वो काफ़ी आसान है, बस कुछ नहीं, दो तीन सर्कल का खेल है, दो तीन सर्कल हमको समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। बस दो तीन सर्कल का फिगर जो है, मेरे पास मात्र चार फिगर ऐसा होगा जो चार वेन डायग्राम के फिगर के हिसाब से हम लोग सारा का सारा जो सिलोगिज्म है वो ख़त्म कर देंगे, बना देंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये सिलोगिज्म वाले में आपका वो चार फिगर कौन सा है, वो चार फिगर के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहला वाला फिगर आपका क्या है, पहला वाला फिगर आपका आएगा ऑल का, ऑल मीन्स क्या होता है सभी, ऑल मीन्स आपका हो जाएगा सभी। तो ऑल वाला फिगर जो है जैसे कि इसमें एग्जाम्पल बताया, जैसे फिर ऑल का फिगर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये ऑल का फिगर ऐसे भी बन सकता है या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों फिगर में किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता, दोनों फिगर ऑल का ही है मेरा, है ना, और दोनों मेरा बराबर फिगर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम लोग ए बी सी डी पे पढ़ लेते हैं ज़्यादा आसान होगा, ऑल ए इज़ बी लिखेंगे, मतलब क्या है आपका कि सभी ए, सभी ए बी है, ठीक है। तो सभी ए बी है तो हम लोग क्या करेंगे सभी ए बी को यहाँ पे डाल देंगे, मतलब सभी ए वाला जो पार्ट है वो पूरे बी के अंदर इंक्लूड है, सभी ए वाला जो पार्ट है वो क्या है पूरे बी के अंदर आपका इंक्लूड है, ठीक है, आया होगा समझ में। दूसरा क्या है आपका, ये सम का फिगर आता है, सम मीन्स पता होना चाहिए क्या होता है कुछ, सम मीन्स क्या होता है आपका कुछ होता है। तो कुछ का फिगर देखो हम लोग यहाँ ऐसे बनाते हैं, हम लोग कुछ का फिगर क्या होता है ऐसे बनाते हैं, अगर इस पे एग्जांपल लेते हैं, अगर इस पे एग्जांपल लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा सम ए इज बी, मतलब क्या है आपका कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है आपका बी है, सम का मतलब कुछ ए बी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कुछ ए बी है तो यहाँ ए को बिठाएंगे और यहाँ बी को बिठाएंगे। अब देखो क्या है कि कुछ ए वाला जो पार्ट है वो बी में इंक्लूड है, कुछ ए वाला जो पार्ट है वो बी में है और कुछ बी वाला पार्ट भी ए में हो गया, जैसे ही बोला क्या कि कुछ ए आपका बी है तो कुछ बी भी आपका ए है अकॉर्डिंग टू फिगर में मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ए और बी वाला पार्ट यहाँ पे दोनों इंक्लूड है, ठीक है, तो ए और बी का पार्ट आपका दोनों क्या है इंक्लूड है, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट वाला फिगर है आपका नो का, नेक्स्ट वाला फिगर जो हो जाएगा आपका नो का फिगर हो जाएगा। नो मींस क्या होता है आपका, नो मींस क्या होता है आपका यहां पे नहीं हो जाएगा, नहीं या फिर कोई नहीं, इसको ऑल नॉट भी कर दो, नहीं हो जाएगा या फिर कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये नो और ऑल नॉट जो है वो दोनों का बात बराबर है, आपका नो का मतलब भी वही होता है, ऑल नॉट का मतलब भी वही होता है। ऑल नॉट मीन्स क्या सभी नहीं या फिर कोई नहीं, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे, नो का मतलब क्या होता है, नो मीन्स नहीं, नो मीन्स क्या होता है नहीं, मतलब कोई नहीं। जैसे कि यहाँ नो का फिगर आपका बनेगा कि ये दो आपका वेन डायग्राम दिया गया है, दो सर्कल दिया गया है, इसमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं क्या, नो ए इज बी मतलब क्या है, या फिर और करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऑल ए इज नॉट बी मतलब क्या कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, मतलब कोई भी ए का जो रिलेशन होगा वो बी के साथ कभी भी होने वाला नहीं है, है ना, कोई भी ए का रिलेशन आपका बी के साथ, मतलब ना तो ए बी को जानता है और ना ही बी आपका
ए को जानता है इस फिगर से, क्लियर हो रहा है ठीक है। आपका फोर्थ वाला क्या है, ये सम नॉट, ये सम नॉट का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ और नॉट का मतलब नहीं, है ना। मतलब क्या है आपका कि कुछ जो है पार्ट वो नहीं होगा। एज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि सम ए इज नॉट बी, मतलब क्या है कि कुछ ए बी नहीं है। इसका हम लोग यहाँ पे तीन फिगर हो जाएगा, एक तो आपका बेसिक फिगर हो जाएगा और दूसरा आपका क्या पॉसिबिलिटी वाला फिगर हो जाएगा ठीक है। देखते क्या है बेसिक फिगर में क्या लेते हैं, बेसिक फिगर में हम लोग नो का फिगर लेंगे। नो का फिगर इसलिए लेंगे क्योंकि हम मेरे पास बोला कि अब एक सपोज दैट, एक बात मान लो आप लोग जानो क्या कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू नो, मेरे पास कुछ भी नहीं है मतलब वो क्या हो जाएगा आपका नो का रिलेशन में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसका नो का फिगर लेके बनाएंगे। दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है वो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ ए को लेंगे और ए का जो कुछ पार्ट है वो क्या है आपका बी नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपका पूरे सर्किल में कहीं भी हो सकता है कि ए का कुछ पार्ट, श्योर तो नहीं कि इसके राइट में होगा या लेफ्ट में होगा या टॉप होगा या फिर बॉटम होगा, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ए का जो कुछ पार्ट है वो क्या है आपका बी नहीं है ठीक है। तीसरा वाला क्या फिगर लेंगे यहाँ पे कि कुछ जो ए है वो आपका क्या है, तो ये वाला पार्ट आपका जो होगा वो आपका क्या होने वाला है बी नहीं होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका वो भी नहीं होगा। तो हम लोग ये दोनों फिगर पॉसिबिलिटी में लेते हैं और ये आपका फिगर बेसिक हो गया। सम नॉट वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग वीडियो बनाएंगे, एक अलग पार्ट आएगा मेरा जिसमें सम नॉट वाले का प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा मेरे हिसाब से, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए आपका क्वेश्चंस रहे, सम नॉट वाले में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होने वाला है। ये ब्रह्मा का लकीर नहीं, ये कुणाल सर का लकीर है ठीक है। चलिए इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चंस में, ये फिगर तो हम लोग जान गए कि फिगर वाले में क्या होता है, एक तो आपका ऑल का होता है, दूसरा आपका सम का होता है, तीसरा आपका नो का होता है, चौथा आपका किसका होता है सम नॉट वाले का होता है ठीक है। तो ये चार फिगर में आपका सिलोजिज्म ख़त्म करना है मेरे को, तो वो कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं एक बार ठीक है। वो ख़त्म करने से पहले क्या है आपका कुछ ना कुछ आपका कुछ आपका थोड़ा सा दो बस दो तीन चार चीज़ है आपका वो बस याद करके रखना है, वो सारे क्वेश्चंस के लिए आपका हेल्पफुल होगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए तो आपका हेल्पफुल होगा वो क्या होना चाहिए, आपका पहला वाला क्या है फोर थिंग्स टू बी रिमेंबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि फोर थिंग्स टू बी रिमेंबर, मतलब चार चीज जो है आपका वो क्या है आपको याद करना है, याद नहीं करना है बस क्वेश्चंस बनाते बनाते आप लोगों को क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको याद करने का कोई ज़रूरत होने वाला नहीं है ठीक है। तो वो चार चीज़ में से क्या है, पहला आपका क्या होता है वैलिड, वैलिड होता है ठीक है। वैलिड कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि अगर कंक्लूजन आपके फिगर को 100% फॉलो करता है, अगर कंक्लूजन आपके फिगर को 100% फॉलो करता है या कंक्लूजन जो है वो अकॉर्डिंग टू फिगर है तो वो मेरा वैलिड होगा। कहने का मतलब है 100% फॉलो द फिगर, 100% क्या है फॉलो द फिगर, मतलब फिगर को क्या करेगा 100% फॉलो करेगा। इफ़ द कंक्लूजन फॉलो 100% फिगर देन इट इज़ कॉल्ड वैलिड। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अगर फिगर को कंक्लूजन 100% फॉलो कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा वैलिड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा यहाँ पे इनवैलिड, इनवैलिड होगा कहने का मतलब क्या है, इनवैलिड होगा कहने का मतलब है कि थोड़ा भी डाउटफुल रहे, थोड़ा भी अगर कंक्लूजन डाउटफुल रहे, लगे कि ये हो भी सकता है
ये नहीं भी हो सकता है, मतलब फिगर में 100% ना दिखे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इनवैलिड बोल देंगे। समझ में आ रहा है कि उसको अमान्य हो जाएगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वैसा कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला क्या है आपका कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब क्या, अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं लगा हुआ हो तो कंक्लूजन में भी नॉट नहीं होना चाहिए, अगर नॉट होगा तो वो गलत होगा। ठीक है, चलिए, ये क्या है कि अगर स्टेटमेंट में, दूसरा आपका है, अगर स्टेटमेंट अगर निगेटिव रहे तो आपका कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। आया बात समझ में, मतलब आपका स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज निगेटिव देन कंक्लूजन शुड ऑल्सो बी निगेटिव। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपका यहाँ तक? तो ये चार चीज़ जो है वो हमको क्या करना है, बस एकदम टंग पे रखना है, और ये बात समझ में आना चाहिए आपको कि अगर ये चार चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आपका सिलॉक्स का 25-30% काम ऐसे ही हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम होने का चांसेस आपका नहीं है। ठीक है, ये चार चीज़ आपका याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो क्या है, हम लोग फिगर पे आते हैं, वन बाय वन करके फिगर बताएंगे, और जितना फिगर बता देंगे उससे 1% फिगर जो है वो आपका कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। समझो कि आपका सिलॉक्स का महासंग्राम हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, बस समझ में आ रहा है, वीडियो देखते जाइए, समझ में आपको आगे भी आता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला क्या करेंगे, ये पहला वाला स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे सम ए इज बी, मतलब कुछ ए आपका बी है, हिंदी में भी समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि कुछ ए है आपका वो क्या है, बी है। अब देखना क्या है, स्टेटमेंट ये दिया है तो मेरा इसमें कौन कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सम ए इज बी दिया गया, तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही फिगर में पढ़े हैं कि सम ए इज बी दिया गया, मतलब ये बीच वाला पार्ट जो है वो जिसमें आपका ए और बी दोनों क्या है, इंक्लूड है, मेंशन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था ये बात कि अगर स्टेटमेंट एक रहे तो कंक्लूजन 2-3 भी हो सकता है, अगर स्टेटमेंट 2 रहे तो कंक्लूजन 4 भी हो सकता है, अगर स्टेटमेंट आपका 2 रहे तो कंक्लूजन आपका 5-6-1-2-3-4 कुछ भी आपका पॉसिबल है। बस हमको अकॉर्डिंग टू फिगर सारे कंक्लूजन को चेक करना है कि जो फिगर में दिख रहा है वो आपका 100% क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा आपके लिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1-2-3 यहाँ पे। अब देखो फिगर में हम देख रहे हैं कि कुछ ए आपका बी है, कुछ ए आपका बी है तो वो आपका क्या हो जाएगा मेरा, वो आपका सही है यहाँ पे। लेकिन एक बात और नोट करके यहाँ पे लिख लो कि री स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, दोहरा कथन, मतलब दोबारा कथन जो आपका स्टेटमेंट में कह दिया गया है उसको हम लोग कंक्लूजन में दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ये बात हमेशा एकदम श्योर रहिएगा। ठीक है, तो दोबारा कथन जो होता है वो हमेशा गलत होगा, री स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट वाइज डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे कंक्लूजन लिखे हैं तो ये सही वाला कंक्लूजन होगा और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे गलत वाला कंक्लूजन हो जाएगा। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा, सही वाला मेरा, कि कुछ ए आपका बी है, कुछ ए आपका क्या है, यहाँ पे आपका बी है, कुछ जो आपका ए है वो आपका क्या है, बी है। तो फिगर में दिख रहा है कि कुछ बी भी आपका ए है, कुछ बी वाला पार्ट भी तो ए में इंक्लूड है, लेकिन ऐसा कहीं स्टेटमेंट में चर्चा नहीं किया गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये 100% ट्रू है, 100% क्या है, वैलिड है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सम बी इज ए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। और कुछ फिगर में दिखने से तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला, तो ये फिगर में मुझे लगा ये चीज़ कि आपका कुछ ए बी है तो कुछ बी भी आपका क्या हो सकता है, ए हो सकता है, मतलब कन्फर्म है। ठीक है, चलिए, अब गलत वाले में क्या है कि गलत वाले में क्या हो सकता है, फिगर में दिख रहा है क्या ऑल ए इज बी, नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे नो ए इज बी, ये भी गलत। तीसरा सम इज
नॉट बी, ये भी गलत, क्योंकि ये दोनों निगेटिव है और ये पॉजिटिव होने के बावजूद सही नहीं है, क्योंकि आपका सभी ए बी तो फिगर में दिख ही नहीं रहा है, तो जो फिगर में दिखेगा वही बिकेगा, हमेशा याद रखिएगा। सिंपल वाला टाइप जो है वो सबसे आसान टाइप है, और जो मेरा फिगर में दिखेगा वही हमेशा कंक्लूजन फॉलो होगा और वही हमेशा आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। तो आपका ये कुछ भी जो है ये फिर लिखा जाए ऑल बी इज ए, सभी ए बी है, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पॉजिटिव होने के बावजूद। बाकी बात रेस्ट और आपको जो लगे यहाँ पे लिख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आया समझ में? अब इस पर हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल कर लेते हैं, एक हम लोग एग्जांपल कर लेंगे यहाँ पे, जैसे लिखेगा क्वेश्चंस में क्या, अगर क्वेश्चंस ऐसा देता है, अगर इस क्वेश्चंस पे अगर हम लोग एग्जांपल करते हैं, लिखेगा क्या कि कुछ आदमी पागल है, स्टेटमेंट देगा क्या कि कुछ आदमी क्या है, पागल है। ठीक है, तो यहां पे लिखेगा सम मैन आर मैड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ आदमी पागल, थोड़ी देर पहले हम लोग ए बी पे बनाए थे, यहाँ पे सेम उसका है, इसमें कौन कौन सा कंक्लूजन सही होगा। इसका क्या है, अगर आपका दो कंक्लूजन दिया जाएगा, बेसिकली आपका छोटा वाला सिलोलिज्म में आपका दो कंक्लूजन दिया जाएगा, तो लिखेगा यहाँ पे क्या कि सम मैड आर मैन, फिर क्या लिखेगा ऑल मैड आर All mad are man। ठीक है, तो ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन दिया ये रहेगा कि अगर एक नंबर का, अगर आपका पहला नंबर जो है कंक्लूजन सही होता है, अगर आपका पहला नंबर कंक्लूजन सही होता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अगर आपका दूसरा सही होता है तो ऑप्शन नंबर दो सही होगा। कंडीशन ऑफ इधर और वाला आपके पास हम टाइप्स बताए हैं, है ना, तो उसके लिए आपका तीन नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर आपका दोनों का कंक्लूजन गलत हो रहा है तो ऑप्शन आपका कितना, चार नंबर सही होगा। अगर आपका दोनों का कंक्लूजन सही हो रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव। मतलब ये आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा क्वेश्चंस में, है ना, ऐसा करके दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका पहला वाला कुछ आदमी पागल है यहाँ पे, तो कुछ पागल आदमी भी है, हम बताए थे अभी कि अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी होगा, कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सम यहाँ लिखा गया है, तो सम वाले में ऑल का कोई चर्चा है ही नहीं, ना ही मेरा फिगर पे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑल आपका होने वाला। जब कुछ आदमी पागल है तो हम लोग बोल देंगे क्या कि सभी आदमी पागल है, नहीं कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरे आदमी के ग्रुप में कुछ ही आदमी पागल हैं, तो कुछ पागल आदमी होगा कन्फर्म, ये होने वाला है। तो आपका उसके बाद क्या है कि ये आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट। फर्स्ट कहने का मतलब पहला वाला सही और दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, ये समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा आपका फिगर क्या था, स्टेटमेंट था क्या आपका, ऑल ए इज बी, मतलब क्या है आपका कि सभी ए बी है। ठीक है, हम थोड़ी देर पहले बताए थे क्या कि इसका फिगर ऐसे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इधर सही वाला कंक्लूजन और इधर क्या हो जाएगा आपका, गलत वाला कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे क्वेश्चंस में कि आपका सभी ए बी के बारे में बोला है, सभी ये क्या है, बी के बारे में बोला है, इसमें सही क्या क्या लग रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर, सही आपका क्या क्या लग रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर। देखेंगे सभी ए वाला पार्ट आपका बी है क्या, सभी ए आपका ए वाला पार्ट आपका बी है, और बी का कुछ ही पार्ट जो है वो ए यहाँ पे दिया गया है, बी का जो कुछ ही पार्ट है वो क्या है आपका, ए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहला वाला कंक्लूजन हो जाएगा सम ए इज बी, दूसरा वाला क्या हो जाएगा सम बी इज ए, ये हो गया आपका, तो ये दोनों सही है।
पहला वाला मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया होगा आप लोग को, तो नहीं आया होगा तो हम क्या करेंगे, आप लोग को समझाते हैं और थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा जाएगा सभी मुखर्जी नगर आपका दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ भी ए बिठा दो, यहाँ भी आपका बी बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सेम कंडीशन है। तो सभी मुखर्जी नगर आपका दिल्ली है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा बात यहाँ पे कि कुछ मुखर्जी नगर दिल्ली होगा कि नहीं होगा, होगा कि कुछ मुखर्जी नगर आपका दिल्ली वाले में इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या है, तो वैसे ही आपका कि सम ए इज़ बी भी तो हो सकता है, सम ए इज़ बी आपका हो सकता है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है कि जैसे ही सम ए इज़ बी होगा तो फिगर में क्लियर दिख रहा है कि कुछ बी आपका ए है, मतलब कुछ दिल्ली आपका मुखर्जी नगर है, मतलब पूरे दिल्ली में से कुछ दिल्ली वाला पार्ट जो है आपका वो क्या है आपका मुखर्जी नगर में इंक्लूड है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाद बाकी आपका इधर जो होगा वो गलत वाला सेक्शन लिखा जाएगा, मतलब यहाँ लिखेंगे क्या कि ऑल बी इज ए, तो गलत हो जाएगा, सभी बी तो ये दिख नहीं रहा है। दूसरा क्या है, नो ए इज बी, भैया स्टेटमेंट यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला कंक्लूजन मेरा नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, अगर सम नॉट बी लिखा जाए, सम ए इज नॉट बी, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी बात रेस्ट आर जो भी आपको लगे वो आपका सही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला समझ में, एग्जांपल्स भी हो गया आपका कि कुछ मुखर्जी नगर दिल्ली है और कुछ दिल्ली आपका क्या है आपका मुखर्जी नगर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसी के हिसाब से, अगर इसी एग्जांपल पे, इसी फिगर पे अगर दो कंक्लूजन दिया जाए क्या ऑल दिल्ली आर मुखर्जी नगर, दूसरा दिया जाए क्या कि सम दिल्ली आर मुखर्जी नगर, तो मेरा कहने का मतलब है क्या कि सभी दिल्ली क्या मुखर्जी नगर है, नहीं सभी मुखर्जी नगर ना मेरा दिल्ली है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि सभी ए आपका बी है ना, ठीक है, सभी बी तो आपका ए नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में कि ये पहला वाला जो आपका स्टेट, ये कंक्लूजन है, ये पहला वाला जो कंक्लूजन है वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है कि सम दिल्ली आर मुखर्जी नगर, मतलब कुछ जो दिल्ली वाला पार्ट है वो मुखर्जी नगर है, तो मेरा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या होने वाला है, दो होने वाला है, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे वाले फिगर पे आते हैं, तीसरा वाला फिगर आपका क्या है, नो का, नो या फिर ऑल नॉट बोलो, बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां लिखा क्या जाएगा, नो ए इज बी और ऑल ए इज नॉट बी, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा मतलब क्या है कि सभी ए बी नहीं है, सभी ए आपका क्या है, बी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग फिगर बनाएंगे, इधर में आपका सही वाला, इधर में आपका गलत वाला कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, यह आपका थर्ड नंबर स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे क्या कि ए और बी का आपका कोई रिलेशन नहीं होगा, ए और बी का आपका कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी ए जो है वो बी से रिलेटेड नहीं होगा और कोई भी बी जो है आपका वो ए से रिलेटेड होने वाला नहीं है, दोनों का रिलेशन आपका अलग अलग दिया गया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला नो ए इज बी दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं ना नो बी इज ए, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक। दूसरा क्या है कि हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि आप लोगों को सम नॉट वाले में, हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए थे क्या कि सम नॉट वाले में बताए थे आप लोगों को, सम नॉट, सम का मतलब कुछ, नॉट का मतलब नहीं, सम का मतलब कुछ, नॉट का मतलब नहीं, मतलब क्या है आपका कि मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू नो,
बता चुके हैं आप लोग को, तो सेम कंडीशन है, तो यहाँ भी सम नॉट का मामला चलेगा, रिलेशन चलेगा, सम ए इज नॉट बी, और दूसरा क्या, सम बी इज नॉट ए, ये आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कन्फर्म हो गया, ये तीन चीज़, मतलब कुछ ए, कोई ए आपका बी नहीं है, या फिर सभी ए आपका बी नहीं है, तो कोई बी भी आपका ए नहीं होने वाला, मतलब मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर आपका और मेरा कोई रिलेशन होने वाला है क्या? कोई रिलेशन नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एकदम स्ट्रेंजर है, एकदम अजनबी है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसका गलत वाला कंक्लूजन क्या होगा आपका, यहाँ लिखा जाएगा ऑल ए इज बी, गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये आपका टोटल क्या है, नेगेटिव है। तो थोड़ी देर पहले बताए थे क्या कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव देन कंक्लूजन शुड ऑल्सो भी नेगेटिव, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो ऐसे ही गलत होगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है आपका कि सम ए इज़ बी लिखा जाए तो ये भी गलत, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। और तीसरा क्या है यहाँ आपका, दोनों का रिवर्स भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तीसरा आपका जैसे ऑल बी इज ए, तो ये भी गलत, ये भी पॉजिटिव, बाकी बाद रेस्ट आर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये टोटल आई होप कि समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कि कोई आम है ना, यहाँ पे क्या है, सेब नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी मैंगो आपका एप्पल नहीं है, नो मैंगो इज एप्पल, मतलब ऑल मैंगो इज नॉट एप्पल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कोई जब आम सेब नहीं है तो कोई सेब आम होगा क्या, नहीं होगा, इसका कंक्लूजन क्या क्या बोल सकता है, पहला वाला क्या बोलेगा यहाँ पे, सम मैंगो इज नॉट एप्पल, ठीक है। तो सम मैंगो इज़ नॉट एप्पल, मतलब कुछ जो मैंगो है वो एप्पल नहीं है, कुछ जो मैंगो है वो एप्पल नहीं, मतलब कुछ आम सेब नहीं है। जब नो का रिलेशन है तो कुछ नहीं का रिलेशन भी तो चलेगा मेरे हिसाब से, थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हैं, है ना, सारा चीज़ आप लोगों को हम बता चुके हैं कि आपका कुछ नहीं वाले रिलेशन में नो चलेगा और नहीं वाले रिलेशन में कुछ नहीं का रिलेशन चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ऐसा वाला स्टेटमेंट आपका क्या एग्जाम्पल आपका सही हो जाएगा। फिर अगर आपसे बोला जाए दूसरे वाले में कि ऑल मैंगो इज एप्पल, तो ये गलत हो गया, गलत हुआ ना, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है। हमेशा याद रखिएगा कि एक फिगर पे यही तीन कंक्लूजन किसी भी कंडीशन में सही होने वाला है। अगर दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बात किया जाए, मतलब एक आपका ए दूसरा आपका बी, तो दो स्टेटमेंट में, मतलब एक स्टेटमेंट में आपका दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहे, मतलब एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट रहे आपका, तो यही तीन कंक्लूजन आपका सही होने वाला है, इसको छोड़ के दुनिया का कोई भी कंक्लूजन सही होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। सम नॉट वाला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। सम नॉट वाले में क्या है, यहाँ पे लिखेगा स्टेटमेंट में, सम नॉट वाले में, ठीक है, सम नॉट वाला में लिखेगा क्या, सम ए इज नॉट बी, मतलब क्या कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, कुछ ए आपका क्या है, बी नहीं है। तो हम लोग को फिगर बताया था ना कि एक बेसिक फिगर हम लोग का नो का बनेगा, हम लोग उस पर ही समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक फिगर क्या होगा, नो का बनेगा, तो सही वाला कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, पहला वाला यहाँ पे कि नो ए इज बी, दूसरा हो जाएगा नो बी इज ए, तीसरा हो जाएगा सम बी इज नॉट ए, ये आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए गलत वाले में क्या क्या होने वाला है, स्टेटमेंट आपका निगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, निगेटिव होने वाला है, पॉजिटिव का सारा कंक्लूजन मेरा गलत होगा, पॉजिटिव का सारा मेरा कंक्लूजन जो होगा वो क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए ये हो गया आपका, ऐसे ही आपका एग्जांपल दिया रहेगा। अब क्या है कि उस समय से हम लोग एक फिगर को डिस्कस कर रहे थे, एक फिगर को बता रहे थे, एक स्टेटमेंट वाला हम लोग क्वेश्चन अभी तक देखें, हम लोग क्या किए कि एक स्टेटमेंट वाला अभी तक क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर तीन देखेंगे, फिर कंडीशन ऑफ इधर और पे आएंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दो स्टेटमेंट वाला हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो दो स्टेटमेंट वाला क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो स्टेटमेंट वाला जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा रहेगा सम ए इज बी, दूसरा लिखा रहेगा सम बी इज सी। मतलब क्या आपका कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। एक स्टेटमेंट वाले में तो फिगर हम लोग को समझ में आया, फिगर हम लोगों ने बनाया, बताया सही क्या है गलत क्या है पता चल गया। लेकिन आपका क्या है कि दो स्टेटमेंट वाले में क्या है कि दोनों स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। तो याद रहे कि इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो जाकर सही हो गया, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग पहले फिगर बनाएंगे। फिगर में क्या करेंगे कि कुछ ए आपका क्या है बी है, ठीक है, और कुछ बी आपका सी है। यहाँ पे ये पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर क्या हम लोग के दिमाग में आएगा, सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये वाला फिगर। तो हम बताएंगे उसका रीजन कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सम इज बी और एक फिगर हम लोग ऐसे भी बना लेते हैं सम बी सी। ठीक है, इस दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है कि हम लोग अलग अलग फिगर लेकर चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फिगर लेकर चलेंगे। तो ये वाला फिगर में क्या, कुछ ए तो बी है ही, ठीक है, लेकिन कि कुछ सी वाला पार्ट जो वो बी तो स्टेटमेंट बता ही रहा है, लेकिन ए और सी के बारे में स्टेटमेंट ने अभी तो कुछ नहीं कहा है। तो सिलॉक्स पजल सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा ये बात याद रहना चाहिए आपको, हमेशा ये बात याद रहना चाहिए कि स्टेटमेंट से बाहर खुद के मन का कुछ नहीं करना है। अगर खुद के मन पे जाओगे तो पता चलेगा सारा का सारा क्वेश्चंस क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ सी वाला पार्ट बी में भी इंक्लूड है, सी वाला पार्ट आपका ए में भी इंक्लूड है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो आई बात समझ में कि ये फिगर क्यों नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट के हिसाब से हमको फिगर बनाना है, कंक्लूजन हमको चेक करना है। ठीक है, तो ये वाला फिगर आपका, ये वाला फिगर गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या ये फिगर सही है। सम ए इज बी मतलब कुछ ए वाला पार्ट बी से रिलेटेड है और कुछ बी वाला पार्ट आपका सी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब यहाँ वाले पार्ट में आपका जो है ए और बी है, और यहाँ वाले पार्ट में आपका क्या है, आपका बी और सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग सही वाला कंक्लूजन और ये गलत वाला कंक्लूजन बनाएंगे। याद रहे क्वेश्चन बनाने से पहले स्टेटमेंट देखते ही पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट में आपका नॉट नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट में आपका नॉट है मतलब वो निगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो मेरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऊपर वाला मेरा निगेटिव है स्टेटमेंट तो नीचे वाला भी मेरा क्या होना चाहिए, निगेटिव है। अब आप पूछोगे कि सर अगर दोनों हो तो, मतलब अगर आपका पॉजिटिव भी हो स्टेटमेंट और आपका निगेटिव भी हो स्टेटमेंट, तब क्या कीजिएगा, तब क्या है, तब कुछ नहीं करना, ऊपर जैसा है वैसा नीचे होगा। मतलब ऊपर अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो आपका नीचे भी पॉजिटिव निगेटिव आपका दोनों चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये पहला वाला क्या है कि अगर हम लोग इसको बंद कर दें तो सम इज बी पढ़ें तो उसमें सिर्फ एक और एक और एक ही कंक्लूजन सही हो रहा है, सम बी इज ए, और दूसरा आपका क्या सही हो रहा है, सम सी इज बी। ठीक है, तो दो चीज़ आपका सही हो रहा है। अगर फिगर को अलग अलग किया जाए, जैसे सम ए इज़ बी लिखा गया है तो कुछ ए आपका बी है तो कुछ बी भी आपका ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ बी सी है तो कुछ सी भी आपका बी होगा, बस यही होने वाला है। अब हमको देखना क्या है कि कंक्लूजन, या हमेशा याद रखिएगा कि वो कंक्लूजन जो है हमेशा रिलेटेड फिगर से सही होता है। हमेशा क्या होता है सिंपल वाले क्वेश्चन में, क्या होता है सिंपल वाले टाइप में, क्या होता है आपका कि आपका ये रहेगा फिगर रहेगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, तभी उसका कंक्लूजन क्या होता है सही होता है। ठीक है, लगभग में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए और सी का पूछिएगा सर ए और सी का रिलेशन नहीं चलेगा, नहीं, दूर का रिश्ता नहीं चलता है। दूर का जो रिलेशन होगा मतलब, दूर का कहने का मतलब क्या,
आपका एक डायग्राम से दूसरा डायग्राम अटैच्ड नहीं है, मतलब दोनों आपका सटा हुआ नहीं है, वो दोनों आपका अलग है, तो आपका क्या होने वाला है, दूर का रिलेशन जो भी होगा आपका वो गलत होगा। मतलब ए और सी के बीच में ना तो ऑल का रिलेशन चलेगा, ना तो आपका सम का चलेगा, ना तो आपका तीसरा नो का चलेगा, चौथा आपका सम नोट का नहीं चलेगा। थोड़ा ध्यान देकर यहाँ देखा जाए कि यहाँ नो और सम नोट, यहाँ नो और सम नोट जो है वो आपका नेगेटिव है। नो और सम नोट क्या नेगेटिव, ऊपर वाला स्टेटमेंट मेरा क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो भैया ऐसे ही नहीं चलना है क्योंकि ये तो नेगेटिव है, लेकिन इस दोनों में भी आपका क्या है, ए और सी का रिलेशन नहीं चलेगा। आई बात समझ में, मतलब सिलोजिज्म का चारों फिगर में से ए और सी का रिलेशन दोनों के बीच में चलने वाला नहीं है, ए और सी के बीच में आपका चारों रिलेशन चलने वाला नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है। गलती क्या क्या हो सकता है आपका, लिखेगा जैसे ऑल बी इज सी, तो सभी बी सी है क्या, देखिए तो नहीं, सिक्स लिखेगा ऑल बी इज ए, तो ये भी गलत, मतलब रेस्ट आर जो भी आपका दिया जाएगा वो क्या होगा, गलत होगा। बस इस दो कंक्लूजन को छोड़ के सारा का सारा आपसे क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, लिखा जाएगा क्वेश्चंस में क्या, सम पेन आर रोड, दूसरा लिखा जाएगा सम रोड आर बस, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपका लिया गया है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट है आपका, दो स्टेटमेंट लिया गया है, तो पहला वाला कंक्लूजन दे देगा कैसा वो हमको देखना है। पहला वाला कंक्लूजन देगा यहाँ पे कि सम बस आर रोड, दूसरा देगा सम पेन आर बस, उसके बाद चौथा देगा ऑल ऑल बस आर पेन तीसरा, ठीक है। तो ये मेरे पास दो स्टेटमेंट और आपका तीन कंक्लूजन है मेरे सामने। सबसे पहले करना क्या है कि हमको फिगर बनाना है, तो यहाँ पेन और यहाँ रोड और यहाँ क्या हो जाएगा बस। थोड़ी देर पहले पढ़े थे सम इज बी सम बी इज सी, ठीक है, सम इज बी एंड सम बी सी पढ़े थे, हमको पता है कि ए और सी में कोई रिलेशन चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक पे आएंगे हम लोग, ए और सी मतलब पेन और बस का रिलेशन नहीं चलेगा, ठीक है, तो पेन और बस गलत, ठीक है, पेन और बस गलत। दूसरा क्या है, सम बस आर रोड, तो कुछ बस जो है आपका वो रोड है, ये बिल्कुल सही है, तो आपका ओनली वन फॉलो या फिर टू और थ्री डज नॉट फॉलो, ऐसा करके ऑप्शंस में आपका क्या करेगा दिया हुआ रहेगा। तो देखिए और समझिए, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस में कि आपका क्या है यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट हो गया, दो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे तीन तीन स्टेटमेंट करेंगे, लेकिन इसका कुछ फिगर बाकी है, उस फिगर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या है कि यहाँ दो फिगर वाला एक और स्टेटमेंट देख लेंगे। यहाँ पे लिखा गया है सम ए इज ऑल कर दो, ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी, ठीक है, ये हम लोग हो गया, हम लोग कंक्लूजन देखेंगे सही और गलत का, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, थोड़ा सा हमको ये देखना है कि आप फिगर बनाएंगे हम पहले क्या कि सभी ए आपका क्या है बी है और कुछ बी आपका सी है, ठीक है। एक और बात दिमाग में आएगा, सर ऐसा फिगर हो सकता है तो ऐसा फिगर क्यों नहीं होगा, ऐसा फिगर क्यों नहीं होगा,
अगर यहाँ फिगर हो जाएगा तो कुछ सी वाला पार्ट तो इसे भी इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी को अलग और सी से सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बताया गया आपका बी का, तो सी से सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बताया गया आपका बी का, तो हम लोग बी से रिलेटेड ही सी को बनाएंगे, ए से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, अब हमको फिगर देखना है, सही वाला कंक्लूजन बनाना है, फिगर देखना है, गलत वाला कंक्लूजन बनाना है, जो सही वाला कंक्लूजन होगा वो फिगर को 100% फॉलो करेगा, जो गलत वाला कंक्लूजन होगा वो आपका क्या करेगा, डाउटफुल रहेगा और वो फिगर को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या होगा, पहला वाला ऑल वाले सेक्टर में अभी हम बताए थे, सेक्शन वाले में बताए थे क्या, कि अगर ऑल इज बी लिखा गया है तो सम इज बी होगा, दिल्ली मुखर्जी नगर वाले एग्जाम्पल पे पीछे जिसके जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग बताए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ए इज बी, दूसरा क्या हो जाएगा, सम बी इज सी, तीसरा आपका हो जाएगा सम बी सी, तो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सम बी इज ए, तीसरा हो जाएगा सम सी इज बी, ठीक। ये मेरा तीन कंक्लूजन जो है पूरी तरह से आपका फॉलो कर रहा है फिगर को। इसके बाद वाला जो कंक्लूजन होगा वो हम लोग देखते हैं, पहला वाला कंक्लूजन होगा लिखा जाएगा ऑल ए इज सी, गलत, क्योंकि ए और सी के वेन डायग्राम में आपका कोई भी रिलेशन हमको नहीं दिख रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑल सी इज ए, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा अगर बोला जाए नो ए इज बी, तो ये गलत, क्योंकि ये आपका निगेटिव है, ऊपर दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका दिया गया। फिर आपका फोर्थ वाला दिया गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा ऑल बी इज सी, ये वाला भी गलत, डाउटफुल है ना, कि सभी बी आपका सी हो सकता है, फिर सभी सी आपका बी हो सकता है, या फिर सभी ए आपका सी हो सकता है, तो जितना सकता सकती है सारा पॉसिबिलिटी में, अगर मैं राजा होता, लेकिन हूँ नहीं ना अभी, तो सिंपल मैन, ठीक है, तो अगर मैं राजा होता तो हूँ नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे होता तब ना, तो मतलब क्या, इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, वो आपका पॉसिबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ऑल बी सी हो सकता है, लेकिन है तो नहीं, अकॉर्डिंग टू फिगर तो नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका ऑल बी सी गलत हो जाएगा। पांचवा वाला क्या है आपका, पांचवें वाले में लिख लो ना ऑल बी इज ए, ये भी गलत हो जाएगा। एक और लास्ट है आपका, लिखा जाएगा नो ए इज सी, ये निगेटिव और ये भी आपका गलत, बाकी बात रेस्ट आर खुद से लिख लो। आई होप कि समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। इस पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल स्टेटमेंट में क्या ले लेते हैं, ऑल रिंग आर स्क्वायर पहला, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सम स्क्वायर आर सर्कल, इस पे कंक्लूजन क्या देगा, सो हमको देखना है, सम सर्कल आर रिंग, दूसरा ऑल स्क्वायर आर रिंग देगा, तो ऐसा एक क्वेश्चन हमको दिया गया है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे, तो फिगर बनाने का मतलब क्या है कि सभी रिंग आपका क्या है, स्क्वायर, और आपका कुछ जो स्क्वायर है वो क्या है, आपका सर्कल दिया गया है, कुछ जो आपका स्क्वायर है वो आपका सर्कल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ ऑल इज बी बिठा दो एंड सम बी सी बिठा दो। अब देखो क्या है, फिगर में कुछ नहीं है, बस फिगर देखना है और हमको आंसर मिल जाना है एनी हाउ, 1% भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये ब्रह्मा का लकीर नहीं कुणाल का लकीर है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस में आपका सम सर्कल आर रिंग, कुछ जो सर्कल है वो रिंग है, क्या है फिगर में, नहीं वो तो फिगर में है ही नहीं, तो पहला वाला गलत। दूसरा क्या है कि ऑल स्क्वायर आर रिंग, सभी स्क्वायर का रिंग है, नहीं है, ये वाला भी गलत, मतलब दोनों आपका कंक्लूजन गलत हो तो आंसर क्या होने वाला है, आपका 4 होने वाला है। आया समझ में, अगर कंक्लूजन 1 सही तो आंसर 1, कंक्लूजन अगर 2 सही तो आंसर 2, 3 नंबर वाला कंक्लूजन में क्या होता है, कंडीशन ऑफ इधर होता है आपका, 4 नंबर वाले में आपका दोनों गलत होता है, 5 नंबर वाले में आपका दोनों सही होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम एक बात आप लोग को क्लियर यही कर देना चाहते हैं कि एक टॉपिक अभी जो बताए हैं उसी से रिलेटेड है, इसमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बनेगा तो कैसे बनेगा और इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग दो पार्ट लेते हैं, यहाँ पे दो पार्ट लेते हैं। ये पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, सम ए इज़ बी, जो हम इसको थोड़ी देर पहले आप लोग के सामने रखे हैं। फिर यहाँ पे है सम बी इज सी, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लेते हैं क्या, सम ए इज बी और दूसरा नो बी इज सी, ठीक है। दोनों का फिगर बनाते हैं हम लोग। ये फिगर हमको पता है ए और सी का कोई रिलेशन नहीं, इन द केस ऑफ ऑल, इन द केस ऑफ नो, इन द केस ऑफ सम, इन द केस ऑफ आपका सम नॉट, कोई दिक्कत नहीं होने वाला मेरे हिसाब से यहाँ तक, ठीक है। इसका फिगर बनाएंगे भैया, तो देखो बेटा यहाँ आप इसका फिगर बनाएंगे तो सम ए इज बी एंड नो बी इज सी, ठीक है। मतलब कुछ ए वाला पार्ट आपका बी में इंक्लूड है और ये बी वाला पार्ट आपका सी नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मेरे पास दो एग्जांपल है, मतलब एक इसका एग्जांपल, एक इसका एग्जांपल। देखो क्या है, बोला जाएगा क्या कि सम ए इज नॉट सी, ठीक है। इसमें भी वही बोला जाएगा, सम ए इज नॉट सी, ये हो गया आपका। अब क्या है इस क्वेश्चन में हमको देखना क्या है यहाँ पे कि सम ए इज नॉट सी और सम ए इज नॉट सी दोनों साइड, देखो कन्फ्यूजन है यहाँ पे, मामला गड़बड़ हो सकता है एग्जाम्स में। तो मामला गड़बड़ होने से पहले हम लोग इसको यहाँ पे सुधार सकते हैं, सुधार के एग्जाम्स में हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ भी हो गया, आपका स्टेटमेंट वहाँ भी हो रहा है। तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ ये निगेटिव है, मतलब ये पहले ही गलत है, आया समझ में, ये आपका पहले ही गलत है, मतलब ये निगेटिव वाला है और ये आपका पॉजिटिव वाला है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कि सम ए इज नॉट सी, यहाँ आपका पॉजिटिव, यहाँ आपका निगेटिव। कुछ देर पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि इफ ए स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन शुड ऑल्सो भी पॉजिटिव, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। इफ ए स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन शुड ऑल्सो बी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव भी रहे नेगेटिव भी रहे तो आपका कंक्लूजन दोनों होगा, मतलब पॉजिटिव भी होगा और आपका नेगेटिव भी होने वाला है, ठीक है। तो कंडीशन है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपका दोनों है, तो ये भी हम लोग हमेशा गलत करते थे एग्जाम में, जो बिल्कुल गलत है ये वाला एक जो एग्जांपल है, ये वाला जो कंक्लूजन है वो हमेशा सही होगा, वो हमेशा 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 सही होगा, ठीक है, ये होगा आपका। चलिए तो आप इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका कीजिएगा क्या, सम ए इज नॉट सी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, यहाँ देखो बेटा ए सम ए लिखा गया, यहाँ क्या लिखा गया बेटा, सम ए लिखा गया। जैसे ही सम ए लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ भी सम ए है कि नहीं, दोनों जगह सम ए सम ए। अब जो सम ए है वो किससे रिलेटेड है, बी से, तो सम ए वाला पार्ट बी से रिलेटेड है, मतलब ये वाला पार्ट ए और बी दोनों है, कन्फर्म है ना। उसके बाद क्या लिखा गया कि कुछ भी आप, मतलब कोई भी आपका सी नहीं है, तो कोई भी बी आपका सी नहीं होगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ए वाला पार्ट जो बी से इंक्लूड है, मतलब ये वाला पार्ट जो बी से इंक्लूड है, ये वाला पार्ट जो जिसमें आपका ए भी आ रहा है, जिसमें आपका बी भी आ रहा है, ये कभी भी आपका सी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाला पार्ट बी का है, क्योंकि वो वाला पार्ट क्या आपका, ये वाला पार्ट आपका बी का है और ए भी उसमें चला गया है, तो ए का भी उतना पार्ट जो है वो सी नहीं रखेगा, क्योंकि रिलेशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों में नो का रिलेशन है। हमेशा याद होना चाहिए आपको कि नो वाले में दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहता, ना तो बी सी को जानता है ना तो सी आपका बी को जान रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस में आपका सम ए इज नॉट सी है आपका, ठीक है। तो सम, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सम ए, मतलब ए का जो कुछ पार्ट जो बी से रिलेटेड है वो बी, और ए वाला पार्ट जो है वो सी नहीं होने वाला है, ठीक है।
अगर बोला जाता कि सम बी इज़ नॉट सी, फिर भी सही होता कि नहीं, क्योंकि नो वाला केस लगा हुआ है। वही कंडीशन ए के साथ है कि ए वाला पार्ट कुछ बी में इंक्लूड है, और ये ए वाला पार्ट जो है जो बी से इंक्लूड है और पूरा बी सी नहीं है, इसलिए ए वाला पार्ट भी आपका क्या होगा, सी होने वाला नहीं है। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और ऐसे भी कुछ छूटा नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आया वैसा कुछ मैंने बताया नहीं, एकदम आसान बात बताया है कि कुछ ए वाला पार्ट जो बी से इंक्लूड है वो सी आपका नहीं होने वाला है। आया समझ में? तो ये गलती बिल्कुल ना करें। दूसरा क्या है इसमें, क्या दे देगा, सम सी इज नॉट ए। अब देखो क्या है कि सम सी इज नॉट, कुछ जो सी वाला पार्ट है वो ए नहीं है। अब देखो कुछ सी वाला पार्ट किसी से रिलेटेड है क्या? किसी से रिलेटेड नहीं है, नहीं है ना। तो हम लोग को बताना चाह रहे हैं, आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि कुछ सी वाला पार्ट जो है वो ए से रिलेटेड नहीं, मतलब कुछ सी पार्ट किसी से रिलेटेड सम के केस में है ही नहीं, है ही नहीं। जब नहीं है तो वो ए कभी होगा कि नहीं होगा हमको क्या पता, तो डाउटफुल है ये, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ को अगर पॉसिबल है तो वीडियो पॉज करके आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, ये हो गया आपका दो दो स्टेटमेंट का। एक और आपका नो वाला छूटा, चलो नो वाला भी अभी बता दे रहे हैं। पहले इस पर एक एग्जाम्पल हो जाए, लिखिएगा सम हॉर्स आर लाइन, नो लाइन आर डॉग। मतलब कुछ जो आपका हॉर्स है वो क्या है, लाइन है, और कोई लाइन जो नहीं है, कोई लाइन जो है वो डॉग नहीं है। ए बी सी फिगर समझ में ना आए मेरा वाला कॉन्सेप्ट लगाना, एकदम रामबाण है, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ए बी सी लिखना और सारा कंक्लूजन आपका जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी वही बात देगा, सम हॉर्स आर नॉट डॉग, कुछ हॉर्स वाला पार्ट जो है वो लाइन से रिलेटेड है और ये वाला पार्ट आपका डॉग नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया समझ में? चलो अब चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग, नो वाले की ओर आ जाते हैं स्टेटमेंट, नो वाले की ओर आ जाते हैं हम लोग, स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया गया। नो वाले की ओर स्टेटमेंट में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि ऑल ए इज नॉट बी, ठीक है, फिर ऑल बी इज सी, ठीक है, फिर यहाँ पे सम सी इज डी। ये हम लोग तीन स्टेटमेंट पे आ गए, पहले दो पे थे और हम लोग क्या किए, तीन पे आ गए। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, ये सही वाला और ये गलत वाला कंक्लूजन। देखो क्या है यहाँ पे कि कोई ए आपका बी नहीं है, फिर सभी बी आपका क्या है, सी है, और कुछ सी आपका डी है, ऐसे करके बताया गया यहाँ पे। तो आपका यहाँ देखना क्या है कि रिलेशन किससे किससे नहीं है मेरा, तो कुछ यहाँ सभी ए जो है वो बी नहीं है, और सभी बी आपका सी है, और कुछ सी आपका डी है। हम लोग पार्टिकुलर बना लेंगे कि अगर ऑल ए इज नॉट बी है तो यहाँ पे नो बी इज ए होगा, सम इज नॉट बी होगा, सम बी इज नॉट ए होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका ऑल बी इज सी लिखा है, तो ऑल वाला फार्मूला हम आप लोगों को बताया था ना कि अगर ऑल ए इज बी है तो सम ए इज बी एंड सम बी इज सी होने वाला है। कुछ दिल्ली, कुछ मुखर्जी नगर दिल्ली है और कुछ दिल्ली आपका मुखर्जी नगर है, सेम कि कुछ बी आपका सी है और कुछ सी आपका बी है, मतलब सम बी इज सी एंड सम सी इज बी, आराम से हो सकता है। तीसरा वाला सम वाला लगा लेना, सम वाला कहने का मतलब है क्या कि यहाँ पे सम डी इज सी तो हो ही सकता है, ठीक है, सम सी इज डी नहीं होगा क्योंकि ये आपका रीस्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहला वाला क्या है कि सम नॉट वाला जो है वो आपका ए और बी में चलेगा, ठीक है, मतलब सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, चल सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, नो बी इज ए हो सकता है। तीसरा हो सकता है आपका सम बी इज सी, ठीक है, सम बी इज सी, और चौथा है सम सी इज बी, ठीक है। पांचवा क्या दिया गया, पांचवा यहाँ पे देख लो, पांचवा आपका दिया गया है क्या, कैसे होगा, सम
डी इज सी, ये आपका हो गया, ठीक है। और भी हो सकता है क्वेश्चंस में, क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो नॉट वाला भी हो गया, और दो तीन एग्जांपल इसमें सही वाला कंक्लूजन हो सकता है, बनाना आप लोग देखना। लेकिन हम इसमें आपको ये वाला बता दे रहे हैं गलत क्या क्या होगा इसमें। इसमें ए और बी के बीच में नॉट लगा हुआ है तो ए और बी के बीच में कभी भी ऑल और सम का उपयोग नहीं कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट वाला जो भी स्टेटमेंट होता है वो हमेशा निगेटिव ही कंक्लूजन खोजेगा, पॉजिटिव कहीं से खोजने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, लिखिएगा ऑल सी इज ए, गलत, क्योंकि सभी सी तो ए दिख ही नहीं रहा है, मेरा जो फिगर में दिखे वही मेरा क्या है सही है। दूसरा क्या है, ऑल डी इज ए, ये भी गलत। तीसरा सम ए इज सी, ये भी गलत हो जाएगा आपका, मतलब कुछ ए आपका क्या है सी है, वो भी गलत, क्योंकि आपका कहीं से दिख ही नहीं रहा है कि दोनों फिगर में आपका कहीं से भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो रेस्ट आर जो भी आपको लगे गलत है वो आप इसको लिख लो, ठीक है। चलिए, तो आपका नेक्स्ट वाला है क्या, वो हम अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है, ये इतना तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वाला एक लास्ट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सिंपल आपका डायरेक्ट टाइप का। देखिए स्टेटमेंट में आपका क्या कर रहा है, ये हम लोगों का स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट में क्या करेगा, यहाँ लिखेगा, अगर अभी तक हम लोग क्या किए हैं, अभी तक हम लोग देखे हैं क्या कि आपका एक स्टेटमेंट वाला हम क्वेश्चंस बताए हैं, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस बताए हैं, है ना, और तीन स्टेटमेंट वाला भी हो चुका है। एक बार हम लोग चार स्टेटमेंट का देख लेते हैं, कैसे पूछता है, कैसे उसका फिगर बनाना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस में लिखेगा क्या, यहाँ पे ऑल ए इज बी, फिर क्या लिखेगा, नो बी इज सी, फिर क्या लिखेगा, ऑल सी इज डी, ठीक है। तो ये आपका लिखने वाला, अब हमको देखना क्या है इसमें, इसमें हमको यही देखना है कि आपका जो है, आपका यहाँ पे पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, और ये आपका क्या है पॉजिटिव है। तो सेम कंडीशन है कि अगर स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने वाला। तो ये सही वाला कंक्लूजन, ये गलत वाला कंक्लूजन, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते हैं, तो ऑल इज बी यहाँ फिगर बन जाएगा, कोई बी सी नहीं है ये फिगर बन जाएगा, और सभी सी आपका क्या है डी है, ये फिगर बन जाएगा। हम लोग को देखना यहाँ पे ये है कि पार्टिकुलर आपका स्टेटमेंट जो है वो फिगर को कैसे डिनोट कर रहा है, फिगर कैसे बन रहा है उस पर। तो फिगर जो है आपका यहाँ पे कि सभी ए आपका क्या है यहाँ पे बी है, और कोई बी आपका सी नहीं है। जब कोई आपका बी सी नहीं होगा तो कोई ए भी आपका सी नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए सेम कंडीशन है, तो पहला वाला ऑल इज बी बोला, तो पहले वाले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं ना ऑल इज बी वाला, थोड़ी देर पहले हम लोग इस वीडियो में बताए हैं आपको, ऑल इज बी है तो सम इज बी लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा, ये सम इज बी है तो सम बी इज ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला का बात खत्म हो गया, लेकिन दूसरा वाला क्या है कि दूसरा वाला आपका ए और बी का रिलेशन जो है वो सी से नहीं है, तो दूसरे वाले में क्या है नो और फिर सम नॉट, इस दोनों में ए बी का जो है वो सी से रिलेशन नहीं चलेगा। मतलब क्या है कि नो ए इज सी, फिर आपका नो सी इज ए, फिर आपका नो बी इज सी, नो सी इज बी आपका चलेगा, ठीक है। लेकिन नो बी इज सी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रीस्टेटमेंट हो जाएगा आपका, सम ए इज नॉट सी, सम सी इज नॉट ए, आपका ऐसा कंडीशन चल सकता है। फिर आपका सी और डी वाले में भी ऑल का कंडीशन है, तो सी और डी वाले में भी यहाँ पे चलेगा सम सी इज डी, एंड पांच नंबर वाले में क्या है सम डी इज सी, ये हो गया है। अब क्वेश्चन में मेरा क्या है कि एक और चीज़ हो सकता है कि सम इज नॉट सी हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और हो सकता है कि डी वाला कुछ पार्ट आपका सी है, डी वाला कुछ पार्ट आपका सी है, सम डी सी अभी हम लोगों ने बताया ना, तो डी वाला कुछ पार्ट आपका सी है, तो हम लोग डी वाला कुछ पार्ट जो है वो बी और ए नहीं हो सकता, ये भी बोल सकते हैं। सम डी इज नॉट ए, सम डी इज नॉट बी, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसमें कोई तरह का परेशानी होने का बात नहीं है। लेकिन अगर बोलेगा क्या यहाँ पे कि ऑल डी इज ए तो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑल डी इज बी बोलेगा तो गलत हो जाएगा, तीसरा क्या यहाँ पे बोलेगा ऑल सी इज ए तो गलत हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर जो भी आपका
कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, वैसा मेरा कंक्लूजन क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे गलत हो जाएगा। तो आई बात आपको समझ में। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट का, सिर्फ और सिर्फ सिंपल टाइप का आपका सिलोजिज्म है, इस पर आप लोग क्वेश्चंस बनाओ। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला वीडियो में जो होगा मेरा, नेक्स्ट वाला वीडियो में हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वही आपका 15 से 20 या 20 से 30 क्वेश्चंस का मेरा एक सेट होगा, वो सेट आपको एज ए पीडीएफ मिल जाएगा। और उस पीडीएफ सेट से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है, और बनाकर क्या करना है, उसका सॉल्यूशन वीडियो देखने हम लोग के पास आना है। और फिर क्या करेंगे हम लोग उसी वीडियो में, या फिर दूसरे टाइप का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इधर और बताएंगे, है ना। और इधर और बताने के बाद हम लोग फिर पॉसिबिलिटी पे जाएंगे। जितना भी आपका सिलोजिज्म का एक चैप्टर का जितना भी टाइप होगा, वो हम लोग धीरे 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 क्या करेंगे, क्लियर करते जाएंगे। तो आप लोगों से यही कहना था कि बस आप लोगों से एक लाइक चाहिए, बस आप लोगों से एक सब्सक्राइब चाहिए, बस आप लोगों से एक शेयर चाहिए, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। और आपका एक कमेंट भी आना चाहिए कि हाँ सर ये वीडियो कैसा लगा, है ना, इसके आगे आप बताओ दूसरे चैप्टर का, इसके आगे वाला टाइप्स बताओ आप, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस तो मैं डील करूंगा ही करूंगा, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चंस और भी बच रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है, उस पर उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। याद रहे, एक लाइक एक सब्सक्राइब और एक शेयर चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और बिल्कुल कमेंट करें, और फिर हम लोग टाइप वाइज बहुत जल्द, जैसे ही इस वीडियो का कमेंट आना स्टार्ट होगा, लाइक एंड शेयर आना स्टार्ट होगा, जो भी स्टार्ट होगा, उसके विद इन 2 and 3 days हम लोग क्या करेंगे, इसका सारा चैप्टर का टोटल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डालते जाएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बिल्कुल दबाएं, और इस वीडियो का नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अब क्या है कि अब जो भी आपका क्वेश्चंस है, जो जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए, वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस के आसपास आपके पास होंगे। तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट की ओर चलेंगे, जो आपका कंडीशन ऑफ इधर और होगा, फिर आपका पॉसिबिलिटी होगा। तो उसमें भी जो आपका होगा वो वैसे ही टाइप हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब क्या है कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वो तो हम लोग बताएंगे ही पहले वाले पार्ट की तरह, फिर उसी में क्या करेंगे हम लोग 10 या 5 क्वेश्चंस का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्या करना है कि उसको देख कर घर पे प्रैक्टिस करना है, और आप लोग कंटिन्यू बनाना है। बनाने के बाद पता चलेगा कि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है आप लोगों को, वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन आपका पहला वाला क्या बोल रहा है कि सम डेस्क आर टेंट्स, क्वेश्चंस आपका स्टेटमेंट दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम का बात बोल रहा है, तो सम डेस्क आर क्या बोल रहा है आपका, टेंट बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सम टेंट आर रिवर बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है आपका सम टेंट आर रिवर्स बोल रहा है। मैंने आप लोग को बताया होगा पिछले वाले वीडियो में, या फिर जिस वीडियो में अभी हम लोग चल रहे हैं उसमें क्या है कि सम इज बी, सम बी इज आपका सी, ऐसा करके बताया होगा, ठीक है। ऑल रिवर आर क्या लिखा है, पॉन्ड लिखा है, ऑल रिवर आर पॉन्ड्स। तो यहाँ पे ए बी हम लोग अगर बिठाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और मेरा पुराना वाला कॉन्सेप्ट भी मेरे दिमाग में आ सकता है। तो यहाँ देखना क्या है, ये आपका टोटल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपका क्या है, टोटल पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए मेरा, टोटल पॉजिटिव वाला कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा पहला वाला जो कंक्लूजन है वो क्या है कि सम पॉन्ड्स आर टेंट, कुछ जो पॉन्ड्स है वो टेंट है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये पहला वाला सही हो गया। तो आपका फिर दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि सम पॉन्ड्स आर डेस्क, कुछ जो पॉन्ड्स है वो डेस्क है। तो कभी भी ए और सी का रिलेशन चलता है क्या, जब ए और सी का रिलेशन नहीं चलेगा तो आपका ए और डी का भी रिलेशन क्या होगा, चलने वाला नहीं है। तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन क्या है कि सम फॉरेस्ट आर हट्स, सम फॉरेस्ट आर क्या लिखा, हर्ट्स लिखा है, तो हम लोग सम का फिगर बनाएंगे, ठीक है। सम हर्ट्स आर क्या लिखा, वाल, सम हर्ट्स आर क्या लिखा है, वाल्स लिखा है, सम वाल्स आर क्या लिखा है, नेट लिखा है। कहने का मतलब है कि इस सारा आपका जो स्टेटमेंट दिया है वो सारा आपका सम से रिलेटेड, सारा आपका क्या है, सम से रिलेटेड। जैसे तो जैसे देखो, सम इज बी, सम बी सी एंड सम सी इज क्या हो जाएगा, डी। तो हमको पता है ए और सी का रिलेशन नहीं चलेगा, आपका ए और डी का रिलेशन नहीं चलेगा, बी और डी का रिलेशन नहीं चलने वाला है, मतलब दूर का जो भी रिलेशन होगा मेरा सम के केस में, वो रिलेशन क्या होगा मेरा, चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरा पहला वाला कंक्लूजन क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि सम नेट्स आर फॉरेस्ट,
सम नेट्स आर फॉरेस्ट क्या है, फिगर में जो दिखा नहीं वो मेरा इनवैलिड होगा। इनवैलिड कहने का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो अमान्य होगा, अमान्य कहने का मतलब फिगर देख के लगे कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, सम नेट्स आर हट, कुछ जो नेट है वो हट है, ये भी तो दूर का रिलेशन हो गया, दोनों गलत। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन के, सम ट्री आर बॉक्सेस, कुछ ट्री आपका क्या है, बॉक्स है, ठीक है। सम उसके बाद ऑल बॉक्स आर क्या है, ब्रिक्स। ऑल बॉक्सेज आर आपका क्या हो रहा है, ब्रिक्स हो रहा है, ठीक है। ऑल ब्रिक्स आर क्या है आपका, डॉग्स। तो देखो फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि सम ए इज बी है, ऑल बी इज सी है, ऑल सी इज क्या है आपका डी। लेकिन ए से जो है वो सम वाले केस में आपका बी सी डी तीनों आपका क्या है, रिलेटेड है, फिगर देखने से है, मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या है, सम डॉग्स आर ट्री, कुछ डॉग्स आपका ट्री है, कुछ डी आपका ए है, हाँ बिल्कुल है। ये वाला पार्ट में आपका यहाँ पे बी सी और डी तीनों रिलेटेड है सम के केस में, ठीक है। तो आपका पहला वाला क्या सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, सम ब्रिक्स आर ट्री, कुछ जो ब्रिक्स है वो ट्री है, हाँ बिल्कुल सही है आपका। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑल फिशेज आर बर्ड्स, ऑल फिशेज आर क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। ऑल बर्ड्स आर क्या है, रैट। ऑल रैट आर क्या है, काउ। तो ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने भी आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाले में, ए बी सी डी, सभी ए बी है, कुछ बी सी है, सॉरी सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी क्या है, डी है। ऑल का केस बन रहा है आप में, तो जहाँ पे ऑल होगा वहाँ सम का रिलेशन जो होगा, सम का कंक्लूजन जो होगा वो हमेशा ऑलवेज क्या होने वाला है आपका, सही होने वाला है, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्या है कि ऑल बर्ड्स आर काउ, सभी बर्ड्स क्या है, काउ है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा चर्चा है नहीं आपका। तो आपका क्या है, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है कि ऑल रैट्स आर फिशेज, सभी रैट क्या है वो फिशेज है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो फिगर में दिख ही नहीं रहा है, ये अपोजिट दे दिया, तो आपका दूसरा वाला गलत। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका लिखा क्या गया है, सम वॉल्स आर विंडो, सम वॉल्स क्या लिखा है, विंडो, ठीक है। सम विंडो आर डोर लिखा है, सम विंडो आर क्या लिखा है, डोर्स लिखा है आपका। ऑल डोर्स आर क्या लिखा है, रूफ। सम इज बी, सम बी सी एंड ऑल सी इज डी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, फिगर देखना है, जो फिगर में सही लेगा वही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो पहला वाला क्या लिखा है कि सम डोर्स आर वॉल, कुछ जो डोर है वो क्या वॉल है क्या, तो कोई रिलेशन नहीं चलने वाला ए और सी के बीच में, हम लोग बता चुके हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, नो रूफ इज विंडो, कोई भी रूफ विंडो नहीं है भैया, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि ऑल विचेज, ऑल स्विचेज आर प्लग्स, ऑल स्विचेज क्या है आपका, प्लग्स, ठीक है। ऑल स्विचेज आर क्या है, यहाँ पे लिखा गया प्लग्स लिखा गया है। सम प्लग्स आर बल्ब, सम प्लग्स आर क्या लिखा गया है, बल्ब। ऑल बल्ब्स आर क्या लिखा गया, सॉकेट। यहाँ पे ए बी था, सम ए इज बी, सॉरी ऑल ए इज बी, सम बी सी एंड ऑल सी इज क्या हो जाएगा, डी। ये भी आपका टोटल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पहला वाला कंक्लूजन हम लोग चेक करते हैं, यहाँ सम सॉकेट आर प्लग्स, कुछ सॉकेट जो है वो प्लग्स है, हाँ बिल्कुल है, ये पहला वाला सही हो जाएगा आपका, फिगर में दिख रहा है। सम प्लग्स आर स्विचेस, कुछ जो प्लग्स है वो क्या है, स्विचेस है, हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है कि ऑल प्लांट्स आर बर्ड्स, सभी प्लांट्स क्या है, बर्ड्स है। एंड ऑल बर्ड्स आर क्या लिखा, ऑल ए इज बी एंड ऑल बी सी, यही लिखा गया सारा, दोनों क्या है आपका ऑल का कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है। तब क्या है क्वेश्चन में कि सम
प्लेन्स प्लेन्स है या फिर क्लाउड है, कहाँ गया कितना नंबर, हाँ प्लेन्स है ना, ऑल प्लेन्स आर बर्ड्स है, सॉरी यहाँ पे प्लेन्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला वाला में लिखा है सम प्लेन्स आर क्लाउड, कुछ जो प्लेन्स है वो क्लाउड है, हाँ बिल्कुल सही है, फिगर में दिख रहा है, स्टेटमेंट में नहीं लिखा गया है। सम क्लाउड्स आर बर्ड, कुछ क्लाउड्स आपका क्या है, बर्ड, ये भी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, फाइव, क्योंकि जो फिगर में दिखेगा वो मेरा 100% क्या होने वाला है, मेरा सही होने वाला है, मतलब वो वैलिड वाला कंक्लूजन होगा, ठीक है। तीसरा वाला आपका क्या है, यहाँ देखा जाएगा, तीसरा वाला आपका है सॉरी एट नंबर क्वेश्चन क्या है, सम स्वीट्स आर सॉल्ट, सम स्वीट्स आर क्या यहाँ लिखा गया, ठीक है, नो सॉल्ट इज स्पाइस। अब देखो क्या है कि आपका स्वीट्स और सॉल्ट के बीच में आपका सम का रिलेशन है और सॉल्ट और स्पाइस के बीच में आपका नो का रिलेशन है, तो पहला वाला कंक्लूजन हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे कि सम स्वीट्स आर स्पाइस, कुछ जो स्वीट्स है वो क्या स्पाइस है क्या, बिल्कुल गलत, ये इसका कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं हम लोग, नो स्पाइस इज सॉल्ट, कोई स्पाइस जो है वो सॉल्ट नहीं, हाँ सही है यहाँ पे, क्योंकि जब सॉल्ट का मतलब स्पाइस से नहीं तो स्पाइस का मतलब कभी सॉल्ट से हो सकता है क्या, नहीं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, टू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, नाइन पे आते हैं, ठीक है, नाइन पे आते हैं, नाइन में क्या लिखा गया, ऑल पॉट्स आर रिंग, ऑल पॉट्स आर क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, ऑल बैंगल्स आर रिंग, ये ऐसा करके दिया गया, ठीक है, ऑल रिंग्स आर क्या है आपका, पेंट, सभी रिंग आपका क्या लिखा गया, पेंट्स लिखा गया, ठीक है, लेकिन यहाँ ये हमको देखना है कि सभी पॉट्स, इसको थोड़ा अलग कर दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर दिखेगा मेरे हिसाब से, ये ऐसे लिख दो, सभी आपका जो पॉट्स है वो रिंग है और सभी बैंगल्स भी आपका रिंग है, तो पॉट्स और बैंगल्स में किसी भी चीज़ का रिलेशन नहीं होगा, वो नहीं बताया गया मेरा स्टेटमेंट में, ठीक है। फिर आपका क्या है कि रिंग्स और ये पेंट में ऑल का रिलेशन है, तो ये पेंट जो है वो आपका सभी बैंगल्स पेंट भी हो सकता है मेरा यहाँ पे, तो कंक्लूजन इसमें क्या लिखा है ये हमको देखना क्या है कि सम पेंट आर पॉट्स, कुछ जो पेंट है वो पॉट्स है, सही है, फिगर में दिख रहा है। दूसरा क्या है कि सम बैंगल्स आर पेंट, कुछ जो बैंगल्स है वो क्या है, पेंट है, ये भी आपका सही आंसर क्या होने वाला, आपका फाइव होने वाला, दोनों आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि सम बॉल्स आर क्या लिखा है, स्पून, ठीक है, सम स्पून आर क्या लिखा, फॉर्क, एंड ऑल फॉर्क्स आर क्या लिखा है, प्लेट्स, ये हो गया आपका। अब देखो टोटल आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहला वाला क्या बोला है, सम बॉल्स आर फॉर्क्स, क्या लिखा है कि सम बॉल्स आर क्या है, यहाँ पे फॉर्क है, ठीक है, तो इसका रिलेशन कभी चलेगा क्या, ए और सी का रिलेशन चलने वाला नहीं है, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या लिखा, सम स्पून्स आर प्लेट्स, कुछ जो स्पून्स है वो प्लेट है, हाँ बिल्कुल सही है, फिगर में आपका दिख रहा है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका टू, आ रहा है समझ में, तो आंसर आपका क्या होने वाला है, आपका आंसर हो जाएगा टू। तो इसी तरीके से आपका सिंपल बेस्ड वाला जो भी क्वेश्चन है, वो सिंपल टाइप वाला आपका जो भी क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट वाला जो आएगा वो आपका कंडीशन ऑफ इधर और हो जाएगा, तो कंडीशन ऑफ इधर और के बाद फिर हम लोग पॉसिबिलिटी लाएंगे और सारे आपके कॉन्सेप्ट पे 2, 3, 10, 5 जो भी मेरे पास क्वेश्चन है या फिर एग्जाम्पल जो भी होगा मेरा, वो हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो आपका सिलोलिज्म का जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये खासकर बेसिक है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो भी दिया गया है उसके लिए आपका रेलवे में भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा इससे, फिर आपका बैंकिंग में ही पूछा जाएगा, एसएससी में भी, जितना भी आपका एग्जाम्स है वो आपका सिंपल लेवल से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लेकिन बैंक वाले के लिए क्या करना है, कंडीशन ऑफ इधर और भी बताएंगे, जो बैंक से रिलेटेड आपका एक अलग वाला चैप्टर होगा, मतलब जैसे आपका सम, सम नॉट, फ्यू, ओनली करके जो भी आने वाला है आपका, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि उसके लिए भी अलग हम लोग वीडियो बनाकर डालेंगे। लेकिन कब, जब आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे और सब तक पहुंचाओगे शेयर करके, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन करोगे, शेयर करोगे इसमें सर क्या बाकी रह गया है और आपको क्या चाहिए, किस एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए क्वेश्चंस आपका, तो वैसा वीडियो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आएंगे। बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, मज़े करते रहिए, ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू।